किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, खेत में आ गए थे। सुबह जो है ट्रॉली गई है और कल शाम काफ़ी लेट हो गई थी भरने में, और अब भाइयों यहाँ पर आ गए हैं खेत में। इधर जो है अपना दूसरा बीज खड़ा है 13235, और इस खेत की जो है भाइयों पत्ती की जुताई कर रहे हैं। पत्ती की जुताई तो हम लगभग पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं वो हम 2 साल से दे रहे हैं। पिछले साल भी हमने वीडियो बनाई थी और इस बार भी हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है या हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर रखा है बबलू पूनिया के नाम से, तो उन्हें तो पूरी जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो खेत है ये रास्ते भी है मेन रोड पर, इसमें भी हमने पिछले साल पत्ती की जुताई करी थी। ट्रेंच का गन्ना था इसमें, और देख लो आपके सामने है कितना शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। और अब इसमें कर रहे हैं जिस खेत में हम तीसरे की पेड्डी ले रहे थे, उनमें सब में जो है धीरे धीरे यही इसी तरह का हमने सब में एक ही सिस्टम चला रखा है। ये देख लो, अब इसमें लगभग जो है तीन या चार बार जुताई करके इसको टिलर मैड़ा से दबा देंगे। शाम को छोटा ट्रैक्टर आओगे या इससे बड़े से टीलर ला कर दबा के मैडा मार देंगे, क्योंकि पछवा हवा चल रही। अगर हमने ये ऐसे ही छोड़ दिया तो इसमें जो है हवा निकल जाएगी, और ये थोड़ा दब जाएगा तो इसकी ये भी गरी में जल्दी आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये डोला दोस्तों, इसलिए जोतना पड़ा क्योंकि जब हमने ये खोल शुद्ध करे थे गुनिया में बनाया था तो ये यहाँ थोड़ा कट्टा मारा था, तो अब इसका डोला हम यहाँ रख देंगे इसके बराबर में, तो ये कम से कम हमारी जो है 3 फुट जगह निकल जाएगी। तो इस तरह का जो है खेत का परिसीमन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि खेत के चारों चूर एक सार करना चाहिए कि तो उसमें फिर जैसे लेजर वगैरह से खोड़ निकल रहे हैं तो उसमें शुद्ध के शुद्ध फाट आ जाओ। तो पिछले हमने ये इसलिए छोड़ के बोया था कि इसमें हमें पता था कि इसमें ये पेड्डी कटेगी जब, तो इसको ये जुतेगा ही जुतेगा, ये भी 3 साल नहीं जुतने का, तो इस वजह से हमने ये छोड़ दिया था। अब इसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, ट्रैक्टर अपना वही चल रहा है, ऊपर उठा के ले लेते हैं भाई, ले ले नीचे है वो तो ऊंचा ज़्यादा हो रहा। ये दोस्तों कौन आ रहा थोड़ा सा यहाँ पे, कोने की जो जुताई है बाद में करेंगे, क्योंकि जो फाइनल हो जाएगा थोड़ा सा कोने काने से छांट छूट के उसमें बढ़िया तरीके से होगा। बाकी दोस्तों, हमारा तो वीडियो बनाने का एक ही माध्यम है कि आप सभी का फायदा हो, आप अच्छे से अच्छा उत्पादन लें, क्योंकि किसान की जो रीढ़ है वो उसकी फसल है, और अगर उसकी फसल कमज़ोर होगी तो समझ जाओ उसके जो है रीढ़ भी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग ना सब्सक्राइब कर पाए हों वो बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज जो है उसे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और अधिक से अधिक जानकारी लें और उत्पादन लें। नमस्कार।